के सीएम अरविंद केजरीवाल के जेल जाते ही हो गया सियासी उठक पटक। केजरीवाल की पत्नी ने संभाल ली सीएम की कुर्सी, शुरू कर चुकी है राजनीति का सफर। सुनीता केजरीवाल के निशाने पर है पीएम मोदी और सीएम योगी, खुलेआम दे दी चेतावनी। लोकसभा चुनाव को लेकर इंडिया गठबंधन ने रांची में एक बड़ी रैली को संबोधित किया। इस रैली में तमाम बड़े चेहरे देखने को मिले। सीएम अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने भी अपनी बात रखी। जनता को संबोधित करते हुए सुनीता केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने जोर देकर कहा कि उनके पति को मारने की साजिश हो रही है। सुनीता केजरीवाल ने कहा कि केंद्र सरकार अरविंद केजरीवाल को मारना चाहती है। मैं तो उनसे आज पूछना चाहती हूँ कि मेरे पति ने क्या गलत कर दिया, आखिर उन्हें उनकी दवाई क्यों नहीं दी जा रही है, उन्हें किस आरोप में जेल भेजा गया है। उन्होंने तो अपने दिल्ली के लिए सबसे अच्छा काम किया था। अब सुनीता केजरीवाल ने लगातार केंद्र पर हमला तो किया ही, इसके साथ साथ पूरी ताकत के साथ नारा भी दे दिया, जेल के ताले टूटेंगे अरविंद केजरीवाल छूटेंगे। जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने रविवार को केंद्र सरकार पर शुगर के मरीज दिल्ली के मुख्यमंत्री को इंसुलिन ना देकर तिहाड़ जेल के अंदर अपने पति को मारने की साजिश रचने का आरोप लगाया। झारखंड के रांची में विपक्ष की मेगा रैली में बोलते हुए सुनीता केजरीवाल ने कहा कि आम आदमी पार्टी के मुखिया के भोजन की निगरानी की जा रही है, उन्होंने उनके भोजन पर एक कैमरा भी लगाया है। पूर्व IRS अधिकारी सुनीता केजरीवाल ने कहा कि राजनीति बहुत गंदी चीज है, उनके खाने पर कैमरा लगा हुआ है। सुनीता केजरीवाल ने कहा कि उनके पति के हर निवाले पर नजर रखी जा रही है, वह शुगर के मरीज हैं और पिछले 12 साल से हर दिन 50 यूनिट इंसुलिन ले रहे हैं, लेकिन जेल में उन्हें इंसुलिन नहीं दिया जा रहा है। वे दिल्ली के सीएम को मारना चाहते हैं, वे अरविंद केजरीवाल के विचारों को नहीं समझ सकते। सत्तारूढ़ दल BJP पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने हेमंत सोरेन को जेल में डाल दिया है, उन्होंने उन्हें दोषी साबित हुए बिना ही जेल में डाल दिया, यह तानाशाही है। मेरे पति की क्या गलती है, क्या अच्छी शिक्षा स्वास्थ्य सुविधा मुआयने कराना है। सुनीता केजरीवाल का यह बयान आप नेता अतिशी के इस दावे के बाद आया है कि सत्तारूढ़ पार्टी BJP ने जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री को मारने की साजिश रची। उन्होंने कहा कि पिछले कई दिनों से उनका शुगर लेवल 300 से ज्यादा बढ़ गया है। केजरीवाल बार बार इंसुलिन मांग रहे हैं, लेकिन तिहाड़ जेल अधिकारी ने उन्हें इंसुलिन तक उपलब्ध नहीं करा रहे। हालांकि तिहाड़ सूत्र ने इन आरोपों से इनकार किया है। वही केंद्रीय जांच एजेंसी ED ने अदालत को बताया कि दिल्ली के मुख्यमंत्री जानबूझकर बड़ी मात्रा में भोजन और मिठाई खा रहे थे ताकि उनके खून में शुगर का लेवल बढ़ जाए। इन आरोपों से विवाद खड़ा हो गया। केजरीवाल के वकील ने ED पर मीडिया का ध्यान खींचने के लिए ऐसा बयान देने का आरोप लगाया। आज विपक्ष ने रांची में एक मेगा रैली आयोजित की, जिसमें कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे, राजद के लालू प्रसाद, सपा के अखिलेश यादव सहित कम से कम 14 राजनीतिक दलों के नेता मौजूद थे।